लगता है। इसको ना ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि पहले हर एक घंटे बाद ऐसे बार बार भूख का एहसास होने लगता है। सो करने में एक चीज का ध्यान रखना है, नमस्कार मैं हूँ परिधि और स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत खुश हैं, बहुत स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। गर्मियाँ चल रही हैं तो समर्स के लिए ही मैं आपको ऐसे बढ़िया 3 मॉर्निंग ड्रिंक्स आज बताने वाली हूँ जो आपके वेट लॉस को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है फेनल सीड वाटर। फेनल यानी कि सौंफ हर किसी के घर में पाई जाती है और इसका स्वाद ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है। अब पता है स्वाद के साथ साथ ना इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ डिटॉक्सिफाइंग एंड मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स। ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनका डाइजेशन इम्प्रूव करती है, उनकी गट हेल्थ इम्प्रूव करती है। और पता है बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको ना हर आधे घंटे बाद या हर एक घंटे बाद ऐसे बार बार भूख का एहसास होने लगता है। वो एक्चुअल हंगर नहीं होते, एक स्यूडो हंगर का एहसास होता है। तो उस स्यूडो हंगर वाली फीलिंग को भी ये ख़त्म करती है। देखो होता क्या है कि आपको ऐसे बार 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 भूख लगती रहती है और जितनी बार आपको भूख का एहसास होता है आप उतनी बार कुछ 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 खाते चले जाते हैं। तो ये वाली फीलिंग जब खत्म हो जाएगी तो आपका ऑटोमेटिकली एक्सेसिव जो खाना है, जो फालतू की चटर मटर और स्नैकिंग है, वो अपने आप से बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फैक्ट है जो आपके वेट लॉस को प्रमोट करता है। अब साथ ही साथ ये रिच होता है विटामिंस और मिनरल्स में। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिंस और मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस लेकर आता है, आपकी ब्रेन पावर को इंक्रीज करता है। और सब जानते हैं कि सौंफ इज सो गुड इन इम्प्रूविंग योर आई साइट। तो अगर आपकी वीक आई साइट है या आपका मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा पुअर है तो वेट लॉस के साथ साथ ये और सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको इसका सेवन डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पेट को ना ठंडक का एहसास देता है, हमारी गर्मी को शांत रखता है और हमें लू से भी बचाता है। इसीलिए गर्मियों के डिटॉक्स ड्रिंक में, मॉर्निंग ड्रिंक्स में मैंने इसको नंबर 1 रैंक दी है। अब देखते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। बनाना बहुत ही आसान है। एक कप लेना है 200 ml का या एक ग्लास लेना है, उसके अंदर आपको एक चम्मच सौंफ डालनी है और उसको पूरा पानी से भर देना है। वी हैव टेकन अराउंड 200 ml ऑफ वाटर और ओवरनाइट इसको सोक करके रखना है। सोक करने में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, इसलिए आपको नॉर्मल पानी में ही इसे सोक करना है। या तो आप इसे खुला छोड़ दीजिए ऊपर से या फिर कोई जालीदार चीज़ से ढकेगा ताकि पानी जो है वो ब्रीद कर सके। गर्मियों में होता क्या है, अगर पानी ब्रीद नहीं कर पाएगा तो जब आप इसे मॉर्निंग में पियेंगे तो आपको एक ख़राब सा टेस्ट आएगा, मतलब यू नो कि कोई चीज़ जैसे सड़ने लगती है। या तो आप इसे 3-4 घंटे पहले भिगोएं और पिएं, बट बिकॉज वी हैव टू सोक इट ओवरनाइट और मॉर्निंग में इसे सबसे पहले पीना है तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसके ऊपर कोई जालीदार चीज़ ढक दीजिए ताकि ये अच्छे से ब्रीद कर सके। और मॉर्निंग में आपको सुबह सुबह इसे छानना है और पी लेना है। हो गया आपका फेनल सीड ड्रिंक। नंबर 2 पे है हमारा हनी एंड लेमन वाटर। इसे बनाने का प्रोसेस हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रपोर्शन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रहेगा, पर उससे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। देखिए लेमन इज रिच इन साइट्रिक एसिड। एसिड का काम क्या होता है, गंदगी को निकालना। जैसे कि हार्पिक आप अपनी टॉयलेट सीट पे लगाते तो सारी गंदगी निकल जाती है ना, एग्जैक्टली उसी तरह से लेमन को जब हम इनटेक करते हैं, लेमन वाटर को हम इनटेक करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन्स पे चिपकी हुई गंदगी जो होती है ना, जो पिज्जाज, बर्गर्स और खूब सारी मैदा और गंदे गंदे स्नैक्स खा के हमें मिलती है, वो सारी गंदगी को रिमूव करने का काम लेमन करता है। इसीलिए लेमन एक बहुत ही ज़्यादा क्लींजिंग और डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। अब हनी की क्या ज़रूरत है,
देखो हनी सबसे पहले लेमन के वर्क प्रोसेस को इंक्रीज करता है। नंबर टू, हनी आपकी इंटेस्टाइंस को सूदन अप करता है। इसको ना ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि पहले लेमन का इफेक्ट आएगा, वो एसिड है, वो हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर से गंदगी को स्क्रैच कर देगा, नोच देगा। अब इंटेस्टाइन को सूदन अप करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, एकदम से सारी गंदगी हट गई तो ऊपर से सूदन अप करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसमें हनी एक सूदनिंग एजेंट का भी काम करता है। हनी ऑल्सो हेल्प्स यू टू लूज वेट, बट इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सूदनिंग एजेंट फॉर द इंटेस्टाइन्स, राइट। इसीलिए आपको सिर्फ लेमन वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा मत करिएगा, आपको एसिडिटी होने लगेगी, आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होने लगेगा, आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। तो आपको जब भी लेना है आपको लेमन और हनी साथ में लेना है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, आपको बहुत गैस बनती है, या ऑलरेडी आप एसिड की प्रॉब्लम से परेशान है, आपको बहुत एसिडिटी होती है, तो ये ड्रिंक आपको नहीं लेना है। यू कैन गो फॉर फेनल सीड वाला ऑप्शन, ठीक है। आपको तब उस केस में लेमन हनी वाटर नहीं पीना है अगर आपको गैस्ट्राइटिस है या फिर एसिडिटी है, इस केस में आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसे बनाना कैसे है, बहुत आसान है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको लेना है एक ग्लास, उसके अंदर सिर्फ आपको डालना है 2 चम्मच नींबू का रस और साथ ही साथ 2 चम्मच शहद। अब इसमें डालिए करीब 200 ml पानी। पानी आप सादा या बहुत हल्का गुनगुना ले सकते हैं, आपको गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए और तुरंत पीना है, इसको रख के नहीं पीना है। ऐसा नहीं करिएगा कि आपने 1 घंटे पहले बना दिया और तब आप 1 घंटे बाद इसको पी रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, आपको तुरंत बनाना है और तुरंत ही इसका इस्तेमाल करना है। आप हर सुबह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका वजन कम होगा, आपका फैट लूज होगा, साथ ही साथ आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपको अगर एक्ने का प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपकी बॉडी बहुत एक्टिव होगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस। ओके, मूविंग ऑन टू अवर लास्ट ड्रिंक फॉर द समर्स, थर्ड इज कोकोनट वाटर, हरे नारियल का पानी, कच्चे नारियल का पानी या डाब का पानी, विच इज रिच इन पोटेशियम एंड बायोएक्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट ऑफ अवर बॉडी। सी, अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, डाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है, हमारी कैलोरीज ज़्यादा जल्दी बर्न होनी स्टार्ट होंगी, अल्टीमेटली लीडिंग टू वेट लॉस। साथ ही साथ आपको पता है, फैक्ट के लिए बता दूं, एक ग्लास कोकोनट वाटर में सिर्फ और सिर्फ 46 कैलोरीज होती हैं। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु वर्क्स आउट, तो ये एक बहुत अच्छा प्री वर्कआउट मील है, और साथ ही साथ इट कीप्स यू एक्टिव कंप्लीट डे। आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा है। सो इट इज़ अ परफेक्ट ड्रिंक फॉर ऑल ऑफ द पीपल। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोकोनट वाटर नहीं पीते हैं, सो स्टार्ट विद ड्रिंकिंग हाफ अ ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे लोगों को इसे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है हु आर नॉट रेगुलर विद कोकोनट वाटर, ठीक है। सो माई पर्सनल सजेशन कि स्टार्ट विद हाफ अ ग्लास और धीरे धीरे टाइम के साथ आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते करते 1 ग्लास या पूरे नारियल के पानी तक लेकर जाइए, ठीक है, नॉट एन इशू। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोकोनट वाटर पीने से पहले और पीने के बाद सादे पानी का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जठराग्नि होती है जो पानी पीने से शांत हो जाती है, तो आपका पेट जो है वो कोकोनट वाटर और पहले या बाद में पिए गए पानी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और साथ ही साथ कोकोनट वाटर पीने के करीब 1 घंटे तक आप कुछ भी मत खाइए, उसके बाद 1 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट या फिर जो भी आप खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं।
और एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो शायद रेगुलर बेसिस पे कोकोनट नहीं खरीद सकते हों, 50 से 100 रुपये एक कोकोनट के ऊपर स्पेंड करना शायद आपको भारी लगता हो, तो सच में नॉट एन इशू, ट्राई आउट द अदर टू ऑप्शंस आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल, उनको ट्राई करिए, फेनल सीड वाटर और हनी लेमन वाटर को, दे आर वेरी वेरी चीप एंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, उनको ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद उसका क्या इफेक्ट आता है मेरे साथ कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक देना तो बनता है और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, आपका अपना ही चैनल है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाइड्रेटेड रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारे फ्रेश फ्रूट्स खाइए, और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, बाय।